शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिने वेणा पुस्तक धारिणीम वयदा जाड्यांधकारपहां हस्ते स्पाजिकमालिकं विदधते पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्या महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोबरी समास चल रहा है, तत्पुरुष समास का तो सूत्र याद किए ना आप लोग? याद किए हो अनुराग? आए किए हो? अच्छा बोलो, जोर से बोलो, याद किए तो बोलो। अरे छोड़ गए, तत्पुरुषा समानाधिकरण विशेषण उपमानानि सामान्य वचने लोको नयः तस्मानुरचि उगति प्रादयः उर्यादिचु राक्षश्च तत्रोपपदं सप्तमीस्तम उपपदमति एक विभक्ति क्या पूर्व निपाते तत्रोपपदं सप्तमीस्तम गोस्त्रियो रूप से जनक्य तत्रोपपदं सप्तमीस्तम उपपदमति तत्पुरुषस्यांगुले अह सर्वे कदेश संख्यात पुण्याच रात्रौ रात्रे हे रात्रः न पुंसि राजाः सखि दृष्टच आन्महत समानाधिकरण जाति है यो पर संख्या याद नहीं, कल सुनाने पे याद नहीं, ठीक से याद करो। आप लोगों को याद है? याद कर लो, याद करो। अथा बहुव्रीहि शुरू हुआ। ये बहुव्रीहि समास है तो बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रधान होता है, है ना? तो बहुव्रीहि समास होता है ये तो अधिकार आया, शेषो बहुव्रीहि। ये क्या है? अधिकार है, अधिकार। इसका अधिकार कितने सूत्र में जाता है? पांच सूत्र में जाता है, उनमें से एक सूत्र है अनेक अन्य पदार्थ। तो शेषो बहुव्रीहि जो बोलता है
हाँ, जो शेष होगा उसमें बहुवरी समास होगा, ठीक है ना। शेष से क्या लेंगे, प्रथमांत पद, प्रथमांत शुभद, ठीक है ना। क्या होगा, हाँ, प्रथमा कहकर कहीं समास नहीं किया है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। ऐसा द्वितीय आदि शब्द का प्रयोग करके समास का विधान पहले हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। और क्या कह कर नहीं हुआ, प्रथमा, इसलिए यहाँ पर शेष से लेना है प्रथमा, क्या लेना है, प्रथमा, इसलिए प्रथमांत सुवंत का समास होगा, क्या समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, है कि नहीं। अब किस किस अर्थ में ये तो नहीं कहा ना, इसलिए विधि सूत्र आया, अनेक मन्य पदार्थे, क्या कहा, ठीक है। अन्य पदार्थ में यदि अनेक सुबंत हो, ठीक है ना, क्या अन्य पदार्थ में अनेक सुबंत, अन्य पदार्थ मतलब क्या है, प्रथमा से अतिरिक्त जो, हाँ, प्रथमा से अतिरिक्त द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसको लेंगे अन्य पद लेंगे, ठीक है। समस्यमान पद हो गया प्रथमांत, उससे अन्य पद होगा द्वितीय आदि पद, उसका जो अर्थ होगा उस अर्थ में विद्यमान होता है कौन, सुवंत, अनेक सुवंत, प्रथमांत, उसमें क्या समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, समझ में आ रहा है। ये कहा जाएगा जैसे प्राप्तम उदकम यम स्वग्राम प्राप्तोदक, है जल प्राप्त हो गया, जल बार, जल की वृष्टि हो गई, समझ में ना, कौन प्राप्त किया जल, किसको प्राप्त किया, ग्राम को, ग्राम जो हो गया द्वितीय अर्थ हो गया, समझ में ना। प्राप्त उदकम यम, यम कह दिया, यत शब्द का द्वितीय वचन यम, आया समझ में, है ना। इसलिए अन्य पदार्थ कौन हो गया, ग्राम हो गया ना, वो द्वितीय का अर्थ हुआ जी। कर्म है ना, द्वितीय का अर्थ कर्म कारक, कर्म कारक है कि नहीं जी। जल प्राप्त किया ना, किसको प्राप्त किया, जल, ग्राम को, इसलिए प्राप्ति रूपी क्रिया का कर्म कौन हुआ, ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। कौन प्राप्त किया, जल, जल करता है, ये कह रहे हैं अन्य पदार्थ, समझ में आ रहा है, हैं? इसी वजह कहीं कि तृतीय अर्थ करण में होगा, कहीं चतुर्थी संप्रदान में होगा, कहीं उपादान में होगा पंचमी, ऐसा में कहीं षष्ठी में भी होगा संबंध है, ऐसा में, और कहीं सप्तमी अधिकरण में होगा, है ना। ये सब उदाहरण आएगा अभी, सुनते हो, हैं? ये बोलता है अनेक मन्य पदार्थ, संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है, विधि सूत्र है, बहुव्रीहि समास का विधान करने वाला सूत्र क्या है, अनेक मन्य पदार्थ है, फिर बोलो, अनेक मन्य पदार्थ, हाँ ये है, वृत्ति क्या है, पढ़ो, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अकारे वर्तमानं वा समस्यते स बहुव्रीहि, ऐसा समझ में, अनेक प्रथमांत होता है, क्या होता है, अनेक प्रथमांत, हाँ, अनेक कहने से दो है कि तीन है, अनेक किसको कहेंगे, दो को कहेंगे या तीन को कहेंगे, एक के अतिरिक्त, चाहे दो, हाँ, दो पदों में भी होता है, तीन पदों में बहुव्रीहि हो सकता है, हाँ, अनेक बोल दिया ना, सुनते हो ना, त्रिपद कहीं कहीं बहुव्रीहि भी, त्रिपद, तीन पदों में भी बहुव्रीहि होता है, हाँ, तीन पद में होता है, बताएंगे, ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद जैसे उदाहरण क्या आ रहा मालूम है, उदाहरण कोई भी ले लो, उदाहरण कोई भी ले लो, पीताम्बर ले लो, और क्या क्या ले लेंगे, पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बर, ये शब्द बनेगा, हैं, लोके विग्रह क्या हुआ, पीतम अम्बरम यस्य, ये हो गया लौकिक विग्रह, ठीक है। यस्य क्यों का, अन्य पदार्थ को बोध कराने के लिए, ठीक है। अन्य पदार्थ कौन हो गया, वो भगवान कृष्ण,
ये पीताम्बर का संबंध है कि नहीं, पीताम्बर का संबंधी कौन हो गया, कृष्ण भगवान हो गया कि नहीं, है ना। यस्य हुआ तो अलौकिक विग्रह क्या होगा, पीतसु अम्बरसु, अरे समझ में क्या होगा, पीतसु और अम्बरसु कौन सा विग्रह हुआ, अलौकिक विग्रह होगा। किस सूत्र से समास हो रहा है, अनेक मन्य पदार्थे, समझ में आ रहा है, पीतसु प्रथमांत है और अम्बरसु भी प्रथमांत है, प्रथमा एक वचन। अब जो है किसको पूर्व निपात करेंगे, ये तो नियम रहा नहीं, पीतसु को करेंगे कि अम्बरसु को करेंगे, है कि नहीं, किस सूत्र समास हो रहा है, अनेकम अनेकम सुबंत है कि नहीं, प्रथम निर्दिष्ट हो गया, ये तो दोनों प्रथमांत है, पीतसु भी और अम्बरसु भी है, कौन किसको पहले करना ये तो नियम रहा नहीं है कि नहीं। तो पूर्व निपात करने के लिए क्या करने के लिए, हाँ सूत्र ये आया, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो, बोलो ये कल हो रहा था ये, है ना। सूत्र में कितने पद, दो पद है कि तीन पद, तीन पद है ना, तीन पद क्या क्या है, दो पद है, दो पद है, पहले तीन पद बोल रहे थे। तो सप्तमी विशेषणे क्या विभक्ति है, प्रथमा का द्विवचन, किसका, सप्तमी विशेषण शब्द का प्रथमा द्विवचन बनेगा, क्या बनेगा, सप्तमी विशेषण। अब बहुव्रीहो हो सप्तमी का एक वचन, उपसर्जनम पूर्वम, सूत्र गया पहले गया, वहीं से पूर्व की अनुवृत्ति ले आओ, पूर्व शब्द की अनुवृत्ति ले आओ, समझ में आ, हाँ तो क्या होगा फिर, पूर्वम मतलब पूर्व में होगा, क्या होगा, पूर्व में होगा, हाँ बहुव्रीहि समास है पूर्व में होगा, कौन पद होगा, सप्तमी विशेषण कह दिया, सप्तमी से क्या लेंगे, सप्तमंत सुबंत, सप्तमी किसको कहते हैं, गी ओ सुपिति सप्तमी, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, आया समझ में, क्यों केवल सप्तमी को लेकर समास होगा क्या, सप्तमंत पद को लेकर समास होगा, केवल सप्तमी को लेकर के, केवल प्रत्यय को लेकर समास नहीं ना होगा, प्रत्यांत हाँ सुवंत में समास होगा, ये सप्तमी का अर्थ क्या करना है, सप्तमंत, आया समझ में, हाँ जो सप्तमंत सुवंत हो उसका बहुव्रीहि समास में क्या होगा, पूर्व में होगा, पूर्व निपात होगा, मतलब क्या नहीं होगा, पूर्व में होगा तो कहाँ पर नहीं होगा, पर में नहीं, पर में नहीं होगा, ये तत्पर हुआ ना, तुम आगे चलो मतलब क्या होगा, पीछे ना चलो, क्या हुआ है, सुनते हो ना, कोई बोलेगा मैं फलार करता हूँ, क्या फलार करता हूँ मतलब क्या हुआ, फलाहार करता हूँ मतलब क्या हुआ, फल ही फली ग्रहण करता हूँ, रोटी नहीं, ये तो हुआ ना, नहीं तो फलार करता हूँ रोटी भी खाता हूँ तो फलार हुआ, फलार करता हूँ मतलब केवल फलार करता हूँ दूसरा नहीं खाता हूँ, ये हुआ कि नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ लोग क्या क्या करते हैं, दिन में बढ़िया बढ़िया बनता है, पूड़ी है सामा चावल है पकौड़े है, और दिन में एकादशी व्रत, रात में रोटी, रात में क्या करेंगे, वो रात में नहीं मिलेगा ना, है तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बस आधा फल आ रहा और शाम को रोटी, होशियारी सब लोग नहीं करते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, है ना। तो पूर्व में होगा मतलब कहाँ पर नहीं होगा, पर में नहीं होगा, अच्छा दूसरा क्या बोल दिया, विशेषणम, जो विशेषण वाचक है ना, तो विशेषण वाला जो सुबंत होगा उसका भी पूर्व में होगा, आया समझ में, देखो वृत्ति, सप्तमंतम विशेषणम च, सप्तमंतम विशेषणम च, बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, बोलो सप्तमंतम विशेषणम च, बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, अर्थ लिखे कल कि नहीं लिखे, लिख लिए ना, हाँ लिख लिए तो अच्छा है, यहाँ तक हो गया, आपका उदाहरण क्या चल रहा है, बोलो
पीतसो अम्बरसो। यहाँ पर विशेषण कौन है? पीत। ऐसा सुबंत कौन हो गया? पीतसु। तो पीतसु पूर्व में होगा, अम्बरसु नहीं होगा। क्यों? और विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, ठीक है ना। तो पीत होगा गुण, है ना, गुणवाचक। पीत हो गया गुणवाचक, और अम्बरा हो गया द्रव्यवाचक। जो गुणवाचक हो वो क्या होता है? विशेषण होता है। समझ में नहीं आया? अच्छा, इसलिए पीतसु पूर्व में हो गया, अम्बरसु बाद में हो गया। फिर क्या हुआ? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी समास की, किससे? हाँ, कृत अधित समासाश्च, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और दोनों जो सु है, दोनों सु का क्या हो गया? लुक हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक जो हो, सु का लुक हो गया, तो कितना रहा? पीताम्बर। क्या रहा? पीताम्बर, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? सु आ गया तो पीताम्बर, अयम पीताम्बर। क्या समास हुआ? बहुवरी। इसी प्रकार शुक्लाम्बर हो जाएगा, शुक्लाम्बर धर्म विष्णु कहते कि नहीं? क्यों? शुक्लाम्बर क्या होगा? शुक्लम अम्बरम, शुक्लाम्बर हो जाए, शुक्लाम्बर। आया समझ में? ऐसा है, ठीक है, हो गया ना आगे। तो ये तो समास हो गया, विशेषण का हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र में सप्तमी कहा, भाई सप्तम अंत को लेकर समास तो होगा नहीं। बहुवरी समास किसको लेकर समास होता है? प्रथमांत को लेकर के कहा ना। हाँ, कहाँ पर कहा मालूम है? अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य, कहा कि नहीं कहा? प्रथमांत को लेकर बहुवरी होता है, और अन्य सुबंत में तो नहीं होता है। हैं? जब अन्य सुबंतों को लेकर के, अन्य मतलब द्वितीय आदि, द्वितीय आदि सुबंत में तो बहुवरी समास जब नहीं होता है, तब सूत्रकार क्यों कह रहे हैं कि सप्तमंत का पूर्व प्रो होगा बहुवरी समास में? हैं? तो व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? कौन शब्द व्यर्थ हुआ? सप्तमी। समझ में आ रहा है? नहीं आया? सप्तमी अर्थ वो कह, हाँ, सप्तमी शब्द का प्रयोग किया ना है, लेकिन सप्तमंत सुबंत को लेकर ही बहुवरी समास न होता है ना। तो सप्तमंत सुबंत का पूर्व में प्रयोग होगा ना कहते, इससे सिद्ध होता है, इससे ज्ञापन होता है कि क्या अन्य सुबंत में भी बहुवरी समास होता है। केवल प्रथमांत हो ये कोई जरूरी नहीं, इसको कहते व्यधिकरण। क्या कहते हैं? व्यधिकरण। अलग अलग पदों में भी है ना, भिन्न भिन्न सुबंत में भी क्या होता है? बहुवरी समास होता है। इसका ज्ञापक शब्द कौन हो गया? सप्तमी पद आ गया कि नहीं आया? देखो वृत्ति में लिखा है, अतएव ज्ञापकात, बोलो, व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि। हाँ, इससे ज्ञापन होता है, अतएव ज्ञापकात। ज्ञापक पद कौन हो गया? सप्तमी। आगे अर्थापत्ति प्रमाण हो गया ना, ये क्या प्रमाण हो गया? अर्थापत्ति प्रमाण हो गया ना। अर्थापत्ति नहीं जानते? पीनो देवदत्त दीवानो भुंगते, मोटा तगड़ा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, तो दिन में नहीं खाता और मोटा है तो किसका अनुमान करोगे? रात में खाता होगा, रात्रि भोजन की कल्पना नहीं हो जाएगी? ये वेदांती के अनुसार अर्थापत्ति प्रमाण है। ठीक इसी प्रकार से है ना, अन्य सुबंत में, अन्य सुबंत में बोला, भिन्न भिन्न सुबंत में यदि बहुव्रीहि समास न होता तो सूत्र में सप्तमी पद का ग्रहण न होता। सप्तमी पद का ग्रहण हो रहा है, ओके कि नहीं? इसलिए भिन्न पद में भी क्या होता है? होता है, ये बोलते हैं यहाँ पर, हो गया। व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि है ना, बहुव्रीहि समास में व्यधिकरण पद भी होता है। व्यधिकरण पद जानते हो? व्यधिकरण मतलब क्या? भिन्न भिन्न सुबंत,
समझ में ना, अन्य अन्य पद हो इले हाँ इले व्यधिकरणानी पदानी जस्मिन व्यधिकरणानी पदानी जस्मिन समासे ससमास व्यधिकरण पद मतलब भिन्न भिन्न सुबंत क्या भिन्न भिन्न विभक्त्यंत सुबंत। जैसे देखो कंठे काल यस्य क्या कंठे काल यस्य है ना, हाँ किसका नाम है मालूम है, महादेव का नाम है। हाँ कंठे काला बोलते है, ये कट्ट में होता है कि नहीं, काला पड़ गया कि नहीं, जहर पी लिया और क्या, बढ़िया बढ़िया चीज तो ले लिए, विष्णु वगैरह ले लिए, समुद्र मंथन हुआ ना, हाँ लक्ष्मी को कौन ले लिया, विष्णु ले लिया और क्या, कोई कोई हाथी को ले लिया, कोई घोड़े को ले लिया है, और लास्ट में क्या निकला, जहर। आज जहर पे कौन लेगा, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, इतना जहर निकला कि संसारी प्रलय हो जाएगा, फिर किसको ले फिर, महादेव महादेव आप ही रक्षा करो करे तो महादेव बोला ठीक है, वो तो भोले है ना, लाओ जो लाना जो चढ़ाना चढ़ाओ मुझे, चाहे गंगा जल चढ़ाओ चाहे जहर चढ़ाओ और ले लिए तो मुंह में लिए और तुरंत जो है वो कौन आ गए, पार्वती मैया आ गए, अंदर जाएगा तो मेरा क्या होगा क्यों भाई, और क्या पेड़ में जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा है ना, पत्नी को डर होते ही ना कि मेरा क्या होगा तो वहीं पर रख दिए, फिर कहाँ पर रख दिए, गले में रख दे तो वही है ना, ऐसा कंठे काल क्या विग्रह करेंगे, कंठे काल यस्य हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है तो ये हो गया वैधिकरण, कंठ गी काल सु कंठ गी सप्तमी एक वचन, कंठ गी आगे क्या है काल सु, अलग अलग सुबंत हुआ, काल सु तो प्रथमांत है, कंठ गी सप्तमंत हो गया, व्यधिकरण हुआ कि नहीं हुआ, समान विभक्ति है नहीं, नहीं है, इसको कहते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि, जिस बहुव्रीहि समास में सुबंत पद समान हो एक विभक्ति वाला हो उसको कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि, लेकिन जहाँ पर अलग अलग सुबंत हो तो क्या बोलेंगे उसको, व्यधिकरण बहुव्रीहि, आय समझ में, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि, आगे कहेंगे क्या बोलते हैं उसको, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात क्या कुछ कहते हैं ना, तदगुण संविज्ञान, तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है और तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि भी होता है, उसको आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, घबराओ ना, ठीक है, हाँ यहाँ पर समानाधिकरण और व्यधिकरण है, आगे समझ में, तो क्या विग्रह हुआ अलौकिक का बोलो, कंठ की कालसु क्या समास है बहुव्रीहि, किस सूत्र से हो रहा है, अनेक अन्य पदार्थ, किस अर्थ में हो रहा है अन्य पदार्थ, षष्ठी है, षष्ठी हुआ ना, यस्य कह रहा है ना, कंठे कालह यस्य, तो यहाँ पर पूर्व निपात किसका होगा, कंठ गी का होगा कि कालसु का होगा, कंठ गी का होगा, कौन सूत्र कहा, सप्ते विशेषणे बहुव्रीहि, सप्तमंत हो गया कंठ गी वो पूर्व में हुआ, ठीक है, कंठ गी काल सु प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है, काल सु में जो प्रथमा एक वचन है सु का लुप्त तो हो गया, और कंठ गी में जो गी प्रत्यय है सप्तमी उसका भी लुप प्राप्त हुआ, किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक हो इस सूत्र से है, इस सूत्र से गी प्रत्यय का, गी प्रत्यय का मतलब सप्तमी प्रत्यय का लोक प्राप्त हुआ, किस सूत्र से, सुपो धातु, हाँ ठीक है ना, इसका निषेध करने वाला सूत्र आ रहा है, लोक का निषेध करने वाला, किसका लोक, किसका लोक, सप्तमी का, सप्तमी है गी, गी प्रत्यय, सप्तमी का जो लुक हो रहा था उसका निषेध करने वाला सूत्र है, ठीक है, देखो बोलते हैं,
हलदंता सप्तम्याः संज्ञायाम्। हलदंता सप्तम्याः संज्ञायाम्। सूत्र में तीन पद भी हलदंतात पंचमी का एक वचन, हलदंतात सप्तमी का एक, सप्तमी बोला पंचमी का, सप्तम्याः क्या होगा षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का सप्तम्याः, नदी का नद्याः, सप्तमी का सप्तम्याः, है कि नहीं। हाँ पुलिंग के नपुंसक अनुराग है, सप्तमी शब्द किस में चलेगा, पुलिंग में चलेगा कि नपुंसक में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा, नदी की तरह चलेगा, ठीक है। मतलब सप्तमी विभक्ति इसका क्या नहीं होगा, लुक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लुक नहीं, हाँ लुक अलुक होता है, क्या होता है अलुक संज्ञायाम, लेकिन संज्ञा में किसी का नाम होता हो हैं, अलुक होगा जब अलुक करने के बाद जो शब्द बनेगा ना वो किसी का नाम हो जाए, क्या हो जाए किसी का नाम हो, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन होगा सप्तमी। देखो लेकिन सूत्र में जो कहा हलदंतात हल च अथ च इति हलत हो जाएगा ना। हल और अत यहाँ पर आया, अत च दंत समास करो, हल वर्ण और क्या अत, अत मतलब अकार, वो जिसके अंत में हो, जिसके अंत में, हल वर्ण जिसके अंत में हलंत हो गया, और अत जिसके अंत हो अदंत हो गया, दो शब्द लीजिए तो लिखे यहाँ पर है हलंताद अदंताद च सप्तम्याः अलुक, बोलो संज्ञायाम ऊपर समझ लो, और हलंत प्रातिपदिक से परे और अदंत प्रातिपदिक से परे सप्तमी विभक्ति का लुक ना हो, हो गया हलंत प्रातिपदिक से परे और अदंत प्रातिपदिक से परे सप्तमी विभक्ति का लुक ना हो, लुक ना हो जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो इस सूत्र से प्राप्त था, जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सुपो धातु है क्या हुआ, अदंत प्रातिपदिक से परे और अदंत प्रातिपदिक से परे सप्तमी विभक्ति का लोप न हो, आगे लिखो जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो इस सूत्र से प्राप्त था, ठीक है। और आगे थोड़ा लिख लो, परंतु परंतु अलोक होने पर, अलोक होने पर शब्द स्वरूप, हाँ शब्द स्वरूप किसी का नाम हो तो, किसी का नाम हो तो, नाम नाम ठीक है ना। हाँ जैसे देखो, जैसे अदंत का उदाहरण हो गया कंठ काल, अदंत का उदाहरण हो गया, अदंत का उदाहरण है ये अकारांत का, अकारांत शब्द कौन होगा कंठ, ठीक है। उसके बाद सप्तमी कौन है गी, गी का लोप नहीं होगा, नहीं होगा है ना, तो गी का क्या रहेगा ई, कंठ का अ और ई में गुण क्या बने कंठे, कंठे काला हो गया, अलुक हुआ, अलुक हुआ ना, क्या अलुक हुआ ना, क्या पूछ रहा हूँ। तो अलुक हुआ जो क्या शब्द बना कंठे काला, कंठे काला किसी का नाम है कि नहीं, है महादेव का नाम है कि नहीं। हाँ किसी का नाम ना हो तो शब्द ऐसा नहीं होगा, अलुक नहीं होगा, किसी का नाम ना हो मतलब मनमानी नहीं कर सकते।
अथवा हलंत का उदाहरण ले लो, युधिष्ठिर हलंत का उदाहरण होगा, युधिष्ठिर युधिष्ठिर सुनते हो है ना, स्थिर शब्द है ना, स्थिर शब्द होगा स्थिर 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 शब्द पहले है जो धैर्य रखता हो युधिष्ठिर हाँ ठीक है ना, युधिष्ठिर ठीक है क्या है, युधिष्ठिर हो गया ना, युधि गी स्थिर सु ठीक है ना, स्थिर सु ऐसा हो जाएगा ना है। तो यहाँ पर देख लो युद्ध है कि नहीं, युद्ध गी युधि युद्ध धकारांत युद्ध गी स्थिर सु ये समास हो रहा है, क्या समास हो रहा है, युद्ध गी स्थिर सु, स्थिर सु का लोक तो हो गया लेकिन युद्ध जो शब्द आया क्या, युद्ध जो शब्द आया, युद्ध शब्द आया धकारांत है हलंत है उसे गी का लोक नहीं होगा, गी का लोक नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या हुआ फिर, युधि गी का ई रहेगा अस्थिर है कि नहीं, फिर जो है हाँ युधिष्ठिर होता है ना, ठकार कैसे होगा, युधिष्ठिर ठकार होता है ना, युधिष्ठिर होता है हाँ कोई होगा हाँ बनता तो युधिष्ठिर ही बनता है हाँ, सकार को मूर्धन्य हाँ मूर्धन्य हो जाएगा ना, मूर्धन्य हो जाएगा सकार को मूर्धन्य हो जाएगा ना, ये है ना पूर्व में जी है। ये है उसके बाद सकार को मूर्धन्य हो जाएगा फिर थकार ठकार हो जाएगा तो क्या बनेगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नाम है क्या, नाम है ना, युद्ध में जो स्थिर रहता है हिलता नहीं धैर्य नहीं खोता है हो गया ना, चलो हाँ ये हो गया, औलुक होता है इससे है ना, ऐसे औलुक करने वाला और भी सूत्र होते हैं, ये थोड़ा एक दिया है, आगे बढ़े कंठे काल के बाद चलो, प्राप्तम उदकम यम स प्राप्तो दको ग्राम बोलो वृत्ति में देखो, ये द्वितीय अर्थ में हुआ, किस अर्थ में, द्वितीय द्वितीय अन्य पदार्थ है ना, ये कह रहा प्राप्तम उदकम यम, ये लौकिक विग्रह हो गया ठीक है भाई, लौकिक अलौकिक सर्वत्र समान ही है, प्राप्त सु उदक सु ठीक है हाँ, तो प्राप्त कर रहा है किसकी प्राप्ति हो रही है, जल की, प्राप्त करने वाला कौन, जल, जल जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है जल, गांव में जा रहा है जल, हाँ और क्या, प्राप्ति रूपी क्रिया है प्राप्ति रूपी क्रिया का कर्ता कौन हो गया, उदक जल हो गया, कहाँ जा रहा है जल, गांव में बराबर है कि नहीं ठीक है, तो कर्म कारक कौन हो गया, ग्राम, सुनते हो हाँ, कर्ता हो गया उदक क्रिया है कौन, प्राप्ति, क्रिया प्राप्ति है और उसका कर्म कारक कौन है, ग्राम ठीक है, तो क्या अर्थ हो जाएगा, उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म ग्राम, ये अर्थ हो जाएगा उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म कह ग्राम, ये अर्थ हो जाएगा ना, प्राप्ति कर्म कह ऐसा क्या बोले, क्या क्या बोले, बोलिए बोलिए, उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म प्राप्ति कर्म ग्राम, हाँ प्राप्ति का कर्म ग्राम हो गया, कर्म कारक कौन है, गांव हो गया ना, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि गांव कौन से क्रिया हो रही है, प्राप्ति, प्राप्ति। उसका कर्ता कौन है, उदक है, और कर्म कारक कौन है, ग्राम, तो क्या अर्थ हुआ, उदक कर्तृक मतलब जिस प्राप्ति का कर्ता उदक हो उस प्राप्ति क्रिया को बोलेंगे उदक कर्तृक, उदक कर्तृक उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म कह ग्राम, आय समझ में, ये अर्थ हुआ, अच्छा ये द्वितीय अर्थ को लेकर हुआ,
तृतीय अर्थ का देख लो भाई, तृतीया का उदाहरण है। तो कहते हैं उड़ा रथो अनाड़वान है, बोलो अनाड़वान। हाँ बोलो उड़ा रथ ये ना, उड़ा रथ ये ना, है ना जी। तो यहाँ पर क्या है, तृतीय अर्थ है। क्या अर्थ है? तृतीय। तृतीय का अर्थ जो है ना कर्ता भी होता है। क्या होता है? कर्ता भी होता है, है? मतलब जिसके द्वारा रथ खींचा गया। कैसे मैं? जिसके द्वारा रथ खींचा गया, ठीक। कौन खींच रहा है? खींच रहा है कौन? अरे बैल खींच रहा, अनड़वान। अनड़ मतलब बैल, ठीक है। सुनते हो कि नहीं? अच्छा, तो कौन सी क्रिया हो रही है? उद्वहन मतलब वहन, खींचना खींचना, ठीक है। किसको खींच रहा है बोलो? रथ को खींच रहा है। और रथ कौन सा कारक होगा? किसको खींच रहा है? रथ को। रथ हो गया कर्म कारक। तो रथ कर्म का कौन सी क्रिया? उद्वहन क्रिया। उद्वहन क्रिया का कर्ता कौन? बैल। कर्ता, ये कर्ता का बोध कराएगा। कर्तृकरणयोः तृतीया, ठीक है। हाँ तो क्या होगा? रथ कर्म का उद्वहन कर्ता, ये अर्थ निकलेगा। रथ कर्म का उद्वहन कर्ता, ये अर्थ निकलेगा, ठीक है कि नहीं? आया? सुनते हो? इसी प्रकार जिसने व्याकरण पढ़ लिया उसको क्या बोलेंगे? अधित व्याकरण बोलेंगे। अधितम व्याकरण ये ना, अधितम व्याकरण ये ना, ये भी कर्ता अर्थ में हुआ। हुआ कि नहीं? हाँ ऐसा, ठीक है। आगे चलो, आगे है देखो, चतुर्थी किस अर्थ में होती है? संप्रदान। किस अर्थ में? संप्रदान अर्थ में होती है। सुनते हो भाई? चलो, जैसे उपहृत पशु रुद्र, बोलो उपहृत पशु रुद्र। रुद्र मतलब देवता, रुद्र देवता। तो देवता को ये पशु दिया गया है, जिसके लिए उपहृत हुआ मतलब दिया गया है ना, जिसको उद्देश्य करके क्या दिया गया? पशु दिया गया है कि नहीं? उपहृत, उपहृत पशु यस्मै, चतुर्थी हो गया। उपहृत पशु यस्मै, सह उपहृत पशु, चतुर्थी संप्रदान है, ठीक है। उपहृत सु पशु सु, सर्वत्र सु सु है, ठीक है। उपहृत सु पशु आगे सु, ठीक है नारायण। हाँ तो क्या क्या बन गया? पशु। हाँ कौन पूर्व में होगा? उपहृत होगा पूर्व में कि पशु होगा पूर्व में? उपहृत। क्यों? क्योंकि क्यों बोलो, तुम बोलो। उपहृत पूर्व में होगा, क्यों होगा? पशु क्यों नहीं होगा पूर्व में? अरे विशेषण है, पशु का विशेषण क्या होगा? उपहृत, ऊपर ना दिया गया, भेंट चढ़ा गया, ठीक है। पूर्व में चला गया, विशेषण होने से पूर्व नहीं पात हुआ। आये समझ में कि नहीं आया? तो शब्द आए, तो क्या शब्द हो जाएगा? उपहृत पशु, सु का तुल्लुक हो गया। अर्थ क्या निकलेगा मालूम है? क्या दिया गया? पशु है ना। उपहरण जो क्रिया, उपहरण देना, उपहरण जो क्रिया है उस क्रिया का कर्म कौन है बोलो? पशु को दिया, पशु हो गया। किसका किसका कर्म हुआ? उपहरण रूपी जो क्रिया, उपहरण रूपी जो क्रिया है उसका कर्म कौन हो गया? पशु। इसलिए पशु कर्म का कौन सी क्रिया? उपहरण क्रिया। उपहरण क्रिया का संप्रदान कौन? रुद्र देवता।
आ गया कि नहीं आ जाए, ये अर्थ निकलेगा है ना। इसलिए पशु कर्म का उपहरण संप्रदानम ये अर्थ निकलेगा, ठीक है। पशु कर्म का उपहरण संप्रदानम, उपहरण संप्रदानम, संप्रदान हाँ, ये चतुर्थी अर्थ में हुआ इस समास जी, संप्रदान को लेकर हुआ, हो गया कि नहीं बोलो। और पंचमी अर्थ को लेकर, पंचमी अर्थ, पंचमी विभक्ति किस अर्थ में होती है? संप्रदान अपादान है ना, पंचमी अपादान है, अपादान पंचमी होती है ना। ये अर्थ देखो, उद्धृत उदना स्थाली, बोलो उद्धृत उदना स्थाली। अच्छा अब संधि थोड़ा बताता हूँ, ये जो उपरहित पशु आया, पशु शब्द तो हर्ष उकारांत है, दीर्घ उकारांत कैसे हुआ? वृत्ति में दिया ना, उपरहित पशु रुद्र, दीर्घ उकार कहाँ से आया? बोलो, संधि नहीं पढ़े हो क्या है, बोलो, नहीं जानते हो? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, दीर्घ हो गया। देखो कैसे, देखो पुस्तक में देखिए, उपरहित पशु, उसके बाद सु आ गया प्रथमा एक वचन, ठीक है ना, प्रातिपदिक हो गया उपरहित पशु, आगे सु आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो सु का क्या रहेगा? सकार रहेगा, रहेगा सकार को रू हो जाएगा, स स उस रू, तो क्या होगा? उपरहित पशुर, पशुर रेप होगा, रेप के बाद रुद्र का रेप है, तो पशुर में जो रेप है उसका क्या होगा? लोप हो गया, किससे? तस्से लोप, किससे लोप हुआ? रोरी से लोप हो गया, रोरी से जब लेप हो गया कितना रहा? उपरहित पशु, और उकार को दीर्घ हो गया, क्यों दीर्घ हो गया? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण से दीर्घ हो जाएगा, ठीक हो गया। इसलिए आगे चलो, तो कहते हैं क्या है वो धर्ष उकार अंत होता है, वही तो कह रहा हूं आपको, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घ हुआ। उसके बाद देखो, उद्धृतम ओदनम यस्मात, बोलो उद्धृतम ओदनम यस्मात, जोर से बोलो, लिखा नहीं है, सुनो, बोलो बोलो, उद्धृतम ओदनम यस्मात, किस अर्थ में हो रहा है? पंचमी अर्थ संप्रदान, मतलब ओदन जिससे निकाला गया, ओदन जिससे निकाला, हाँ, चावल निकाल दिया गया ना, चावल कहाँ रखा था? थाली में रखा था, हाँ, बड़ी 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 पतीला होती कि नहीं, हाँ, यस्मान गलत बोल दिया, गलती से होता है, यस्या होगा, क्या होगा? यस्या, स्थाली है, स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा? उद्धृतम ओदनम यस्या, हाँ, यस्मान नहीं होगा, स्थाली ये स्त्रीलिंग होने से पात्र जम कर देंगे तो हाँ यस्मान हो जाएगा, क्या करेंगे तो पात्रम यदि होगा तो यस्मान हो जाएगा, ठीक है, मतलब पुलिंग हो अथवा नपुंसक हो तो क्या होगा? यस्माद होगा, नहीं स्त्रीलिंग है तो यस्या हो जाएगा, स्थाली को लेकर हाँ यस्या हो जाएगा। उद्धृतसु ओदनसु, नहीं ऐसा नहीं, पात्रम पात्र एक वचन भी होगा, म्यूट करो। तो उद्धृतसु आगे क्या है? ओदनसु, ओदना सो, ठीक है भाई, उद्धृत सो क्या होगा? ओदना सो, तो सु का लुक चला हो गया, कितना रहा? उद्धृत ओदना, वृत्ति हो गई, उद्धृत ओदना हो गया, उद्धृत पूर्व में हुआ, ठीक है, तो क्या शब्द बन जाएगा? उद्धृत ओदना, स्त्रीलिंग का वाचक है ये, स्त्रीलिंग है ना, विशेष हो गया स्थाली, उसका विशेषण बन रहा उद्धृत ओदना, टाप हो जाएगा, तो टाप हो जाएगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, उद्धृत ओदना, सुनते हो? तो कौन सी क्रिया हो रही है? उद्धरण निकालना, ठीक है ना, कौन सी क्रिया हो रही है? उद्धरण निकालना,
है ना, क्या निकल रहे हो, चावल, ओदन, ओदन हो जाएगा कर्म, तो ओदन कर्म का उद्धरण क्रिया और उद्धरण का संप्रदान मतलब अवधि, कौन अवधि, स्थाली ओदन है ना, ओदन इसलिए ओदन कर्म का उद्धरणावधि ही ये हो जाएगा, उद्धरणावधि ठीक है, मतलब उद्धरण क्रिया की अवधि मतलब संप्रदान, संप्रदान बोल दे अपादान, संप्रदान नहीं अपादान, गलती से बोल दे संप्रदान नहीं अपादान, अपादान को तो अवधि नहीं कहते ना, ध्रुवम अपाई अपादानम, क्या अर्थ निकलेगा बोलो, ओदन कर्म का उद्धरणा अवधि ही अथवा अपादान भी कहते चलेगा, ठीक है, कितने हो गए, पंचमी तक हो गए है ना, आगे देखो षष्ठी का, ये तो जानते हो, पीताम्बरो हरि ही बोलो, पीताम्बरो हरि ही, पीताम अम्बरम यस्य, ये देखो षष्ठी के अर्थ है, षष्ठी में संबंध है, प्रीत है यहाँ पर क्या है, प्रकार है, पीत क्या है प्रकार, और अम्बर क्या है विशेष्य, विशेष्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, इधर पीत प्रकार का अम्बरा संबंधी ये अर्थ निकलेगा, पीत प्रकार का अम्बरा संबंधी ये अर्थ होगा, संबंधी मतलब संबंध वाला कौन हो गया, भगवान विष्णु हो गया, ठीक है, पीत हो गया प्रकार, पीत है प्रकार जिसके, किसके, अम्बर के, मतलब पीत प्रकार का अम्बर हो गया, सुनते हो, अम्बर वस्त्र का प्रकार मतलब विशेषण कौन है, पीत, इसलिए पीत प्रकार का अम्बर और अम्बर का संबंध वाला कौन है, हाँ ये अर्थ निकलेगा, सुनते हो ना, इसलिए पीत प्रकार का अम्बरा संबंधी ये अर्थ निकलेगा, किस शब्द का, पीताम्बर शब्द का, ये ठीक है, हाँ इसका बोध कराने के लिए विग्रह बोलना पड़ेगा, पीतम अम्बरम यस्य, हो गए कि नहीं हो गए, और एक ले लो सप्तमी का, नहीं समझ में आया, आगे सप्तमी देखो, अधिकरण अर्थ में भी, वीर पुरुष को ग्राम बोलो, वीर पुरुष को ग्राम, हाँ ग्राम अर्थ, ग्राम के लिए कहा वीर पुरुष को, मतलब क्या है देख लो, बोलते हैं वीरा पुरुषा यस्मिन, जिस गांव में वीर पुरुष है, भी वीर पुरुष है, वीर पुरुष, ठीक है ना, ठीक है, क्या अर्थ हुआ, नहीं शब्द क्या हुआ, वीर पुरुषा, वीर पुरुष, हाँ तो वीर प्लस क्या होगा, पुरुष जस, अलोके विग्रह बोलो, वीर जस, अनेक वीर है ना, है ना, एक वीर होने से भी होगा, कोई बहुत विशेष वीर है तो उसका भी नाम हो जाता है कि नहीं, अरे भगत सिंह वगैरह कहाँ पर एक ही होते बहुत है, अनेक कोई जरूर नहीं है, एक होने से भी हो सकता है, तो बहुवचन भी करो कोई बात नहीं, वीर जस आगे क्या है, पुरुष जस, बहुवचन को लेकर किया, हाँ ठीक है, वीर जस पुरुष जस, ठीक है, जस का लोक हो गया, वीर क्या है यहाँ पर, प्रकार है, प्रकार प्रकार, ठीक है, तो शब्द क्या हो गया, वीर पुरुष, ये समास हो रहा है बहुवरी समास, लेकिन बहुवरी समास में कहीं कहीं क प्रत्यय भी हो जाता है, आगे आएगा शेषात विभाषा, क्या है, शेषात विभाषा, हाँ क प्रत्यय होता है, स्वार्थ में क हो जाएगा, क करेंगे तो वीर पुरुष क हो जाएगा, वीर पुरुष, और क नहीं करेंगे तो केवल वीर पुरुष हो जाएगा, अर्थ समान है, चाहे वीर पुरुष कहो चाहे वीर पुरुष कह कहो, अर्थ में कोई अंतर नहीं, नहीं आगे आएगा सूत्र, क्या सूत्र, शेषाद विभाषा, ठीक है, तो देखो सुनो, फिर क्या अर्थ निकलेगा, ये पुरुष का प्रकार हो गया वीरत्व, ले लो वीरत्व प्रकार का, वीरत्व प्रकार का, हाँ पुरुषाधिकरणम, पुरुष का अधिकरण हो गया ना, वीरत्व प्रकार का पुरुषाधिकरणम,
ये अर्थ निकलेगा। ठीक है भाई, वीरत्व प्रकारक वीरत्व प्रकारक है पुरुषाधिकरणम है। वीरत्व प्रकार वाला कौन है? पुरुष। ऐसा पुरुष कहाँ पर है? ग्राम में वो अधिकरण हो गया। किसका अधिकरण? ग्राम किसका अधिकरण? पुरुष का अधिकरण, पुरुष जहाँ रहते हैं, और उस पुरुष का प्रकार हो गया वीरत्व। ऐसा में ये अर्थ होता है, वीर का अर्थ वीरत्व है। ठीक है भाई, सप्तमी हो गई है ना, हो गया ना, आगे है वार्तिक आएगा, इसको कल करते हैं। ओम नृत्तावसाने नटराज राजो ननाथ डक्काम नव पंचवार उदार्त काम सनकादि सिद्धा नेतद्वर्ते शिव सूत्र जालम। ओम शांति शांति शांति।